नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे माफिया का जाति कार्ड नहीं चलेगा। गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है, आपसे इतना ही बार बार निवेदन है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ कर दिया कि अब यूपी में तो कम से कम माफियाओं का जाति कार्ड नहीं चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले तक माफियाओं का जाति कार्ड चलता था क्या? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि भदोही से विधायक विजय मिश्रा पर 71 मुकदमे दर्ज हैं। और जरा उन मुकदमों के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले एक प्रत्यक्ष चीज हम आपको बता देते हैं। विधानसभा के अंदर ही जहां पत्रकार बैठते हैं, एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने पत्रकार का हाथ पकड़ करके कहा, मैंने तमाम लोगों को ट्रक के नीचे कुचलवा करके मरवा दिया है। सीधी धमकी दी थी। ये वो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, जिन पर 71 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और जब उन पर उनके ही एक रिश्तेदार ने FIR दर्ज करवाई और इस बार उन पर कार्रवाई होनी शुरू हुई, तो अपील कर रहे हैं कि मैं चूंकि ब्राह्मण हूं इसलिए मेरे ऊपर ये केस लगाया जा रहा है और मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे बचा लीजिए। और फिर वो फरार हो जाते हैं। और फरार होकर के जाते कहाँ हैं? फिर वो वही जाते हैं, मध्य प्रदेश। समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल जितने माफिया हैं वो सब फरार होकर के मध्य प्रदेश क्यों चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश वही उज्जैन में चले जाते हैं जहां से विकास दुबे को पकड़कर लाते हुए उत्तर प्रदेश की STF ने मुठभेड़ में मार गिराया था। उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए। और अब जब विजय मिश्रा को वहां से गिरफ्तार किया गया, मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया और यूपी की पुलिस उनको लेने जा रही है, तब अब ये उनकी बेटी सामने आई है, विजय मिश्रा की बेटी सामने आई है और वो कह रही है, मेरे पापा का इनकाउंटर मत कीजिए। ये अपने आप में बड़ा, लेकिन उसकी अच्छी बात है, पिता के लिए अपील ये करना अच्छी बात है। लेकिन उस बेटी से मैं ये भी जरूर पूछना चाहूंगा कि जब उनके पिता तमाम लोगों को मौत के घाट उतरवा रहे थे, हालांकि ये अभी प्रत्यक्ष नहीं पाया, या क्राइम की दुनिया में जा रहे थे, तो क्या उसने उनको कभी रोकने की कोशिश की? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर उनकी पत्नी, विजय मिश्रा की पत्नी लल्ली मिश्रा, अब फरार हो गई हैं। वो भी MLC हैं, आप ध्यान रखिए, वो भी MLC हैं, लेकिन अब वो फरार हो गई हैं। दूसरी ओर जिन सज्जन ने, कृष्ण मोहन तिवारी ने, जो कि विजय मिश्रा के ही रिश्तेदार हैं, जब रिपोर्ट लिखाई, FIR दर्ज करवाई थी, अब उनकी माँ कह रही है कि ये आज से नहीं प्रताड़ना चली आ रही है, पिछले कई सालों से चल रही आ रही है। 8-8 बीघा करके कई बार खेत उनको उनके अपने नाम करवा लिए हैं, तमाम जेवर अपने नाम करवा लिए हैं और जिस घर में वो रह रही वो घर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बेटे के नाम करा लिया है। तो रिश्तेदार की FIR पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब विजय मिश्रा कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे बचा लीजिए, माफ कर दीजिए, मेरा इनकाउंटर मत कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या माफियाओं की भी कोई जाति होती है? और अभी तक क्या माफियाओं की जाति देख करके ही उन पर कार्रवाई की जाती थी? और अब क्या माफियाओं का जाति कार्ड नहीं चलेगा? यही उत्तर प्रदेश की सरकार संदेश देना चाहती है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए और इसकी गंभीरता को समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है, आपसे इतना ही बार बार निवेदन है। यूपी के फरारी के बाद विजय मिश्रा MP के आगर में छिपे हुए थे। उज्जैन रेंज के IG राकेश गुप्ता ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। यूपी पुलिस कभी भी वहां पहुंच सकती है और विधायक से गुप्त स्थान पर ले जाकर पूछताछ कर सकती है। यूपी के भदोही जिले के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को कुछ गुर्गों के साथ हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इसे देखकर कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। पुलिस ने आगर जिले के तनोड़िया से विधायक
कार ड्राइवर और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि कानपुर के विक्रू कांड के आरोपी विकास दुबे के मारे जाने के बाद प्रदेश में ब्राह्मण हत्याओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे, जो कि अब विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद केंद्र बिंदु बन गए और एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई। ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा पर 73 के करीब मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार यूपी पुलिस की सूचना पर मध्य प्रदेश पुलिस ने विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस उनसे गुप्त स्थान पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। विजय मिश्रा 8 अगस्त से फरार चल रहे थे। जानकारी के अनुसार विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे पर एक रिश्तेदार ने ही मामला दर्ज करवाया था। विजय मिश्रा निषाद पार्टी से चुनाव जीती हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले यूपी का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे भी उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था और आगर भी उज्जैन से सटा हुआ जिला है। विजय मिश्रा को भी एनकाउंटर का भय है, इसलिए उसने मध्य प्रदेश में शरण ली है। अभी बीते दिनों आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है और ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। संजय सिंह के बयान के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। क्या कहा था संजय सिंह ने, आइए आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों की एक जाति की सरकार चल रही है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ है। आज ब्राह्मणों को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुरों की सरकार चल रही है। मौर्य समाज के लोगों की बात करें, मौर्य समाज के लोगों में गुस्सा है। केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। हेलो, मैं पूछना चाहता हूं कितने DM, कितने SP, कितने थानेदार मौर्य समाज से लगे। दरअसल यूपी के भदोही जिले के ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा पर 7 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। विधायक के रिश्तेदार ने थनापुर गांव निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने जबरन घर में रहने और वसीयत बनाकर उनकी संपत्ति अपने बेटे के नाम कराने के लिए दबाव बनाने के आरोप में विधायक उनकी पत्नी MLC रामलली मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्रा पर गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पुत्री ने अपने पिता का एनकाउंटर न किए जाने की अपील की है। मेरे पिताजी गिरफ्तार हो गए हैं और जिसके लिए मैं अब बहस में करने की हालत में हूँ नहीं, और मैं उनसे जाके पूछना चाहती हूँ कि SP महोदया, वहाँ किसके कस्टडी में मेरे पिताजी हैं? क्या वहाँ पे यूपी पुलिस है कि MP पुलिस है? कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और कैसे वो उसको एकदम सोचते हैं फुल फ्लेज वो बहुत सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आएंगे? बस मैं ये जाके उनसे 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि वो इस पूरे प्रोसीजर का पूरा जो भी उनका ये है उसको आप अपने अंडर में उसको लीजिए, उसको सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आइए। ये विकास दुबे जैसा फेक एनकाउंटर मत कीजिए प्लीज। विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल गर्म है। अब देखना यह है कि अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला रही यूपी सरकार 73 मामलों के आरोपी विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। स्पेशल डेस्क K News India। जी हाँ, तो माफियाओं का जाति कार्ड नहीं चलेगा। विजय मिश्रा कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरी हत्या करवा देगी यूपी पुलिस। लेकिन विजय मिश्रा को उस समय ख्याल नहीं आया था जब वो लोगों की हत्या करवा रहे थे, जब वो लोगों के मकान कब्जा कर रहे थे, ज़मीन कब्जा कर रहे थे। दूसरों को तो छोड़िए साहब, अपने ही रिश्तेदार का ही पूरा मकान कब्जा कर लिया, ज़मीन कब्जा कर लिया, पूरे जेवर ले लिए, तब ख्याल नहीं आता है ये अपने आप। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यही है कि क्या यूपी पुलिस एक बार फिर से उज्जैन से ही, याद करिए ये वही उज्जैन है, उज्जैन का महाकाल मंदिर आपको याद होगा ज़रूर, जहां पर विकास दुबे ने सरेंडर किया था, वहीं से एक बार फिर पुलिस अब विजय मिश्रा को लेकर के आ रही है। तो लोग, उनके घर के लोग डरे हुए हैं, उनकी पत्नी MLC लल्ली गायब हैं और उनकी बेटी गुहार लगा रही है कि पिता का इनकाउंटर ना किया जाए। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका राजपाल कश्यप जी। हमारे साथ मदन मोहन शुक्ला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। बहुत स्वागत है आपका मदन मोहन जी। और इसके साथ में हमारे साथ में नीरज शर्मा जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय सवर्ण आदमी के अध्यक्ष है, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जय मंगल कनौजिया, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो थोड़ी देर बाद हमसे जरूर जुड़े हैं।
नीरज शर्मा का रुख करेंगे। नीरज शर्मा, सरकार कह रही कि माफियाओं का जाति कार्ड अब नहीं चलेगा, कोई भी हो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। विजय मिश्रा गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी बेटी गुहार लगा रही है कि उनका इनकाउंटर ना किया जाए। विजय मिश्रा खुद गुहार लगा रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूं मुझे मत मारो, क्या कहेंगे आप? विश्वकर्मा जी, मैं एक बात बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश विजय मिश्रा जैसे, विजय मिश्रा तो कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 लोगों की लिस्ट है, उसमें किसी पे 48 है, किसी पे 84 है, किसी पे है, तमाम मुकदमे हैं। हम एक कहना चाह रहे हैं, सरकार ब्राह्मणों को चुन चुन के मारने का काम कर क्यों रही है? आप हनुमान को देख लीजिए, उसके घर से उठाया जाता है, पिताजी का बयान है मेरे घर से उठाया जा रहा है, मेरे घर को लेके गए, किस मुठभेड़ दिखा रही है, ये क्या है? विजय मिश्रा की बात नहीं है, अपराधी कोई भी कैसे बन गया? वो विधायक भी है, जो इंसान विधायक है उससे अधिक आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। मुझे कहना नहीं चाहिए अपने, मुझे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार मेरा भी इनकाउंटर करा सकती है, मुझको भी गिरफ्तार कर सकती है। सच बोलना आज तो मुझे लगता है बहुत बड़ा पाप है। इसलिए 50 आदमी की लिस्ट है, मैं आपके चैनल को लिस्ट भी दे सकता हूं, जो एक जाति के लोग हैं उन पे किसी पे 106 मुकदमे, किसी पे 84 है, किसी पे 48 है, किसी पे 31 है, किसी पे 22 है, उनमें से एक आदमी आज तक पकड़ा हो तो सरकार बता इस चीज का, सरकार देश की जनता के सामने बताए कितने लोगों को पकड़, कितने लोगों का एनकाउंटर किया, क्या एक जाति ही बदमाश है? उन जाति के लोगों को क्यों सताया जा? मान लीजिए कि बदमाश है, उसका एक ही नियम बनता नहीं है, उसको सलाखों के पीछे भेजो, न्यायपालिका है, न्यायपालिका में दीजिए, न्यायपालिका निर्णय करेगी देनी है कि क्या करना है। इनकाउंटर का क्या मतलब है? उस जो बोल रही है वो सत्य बोल रही है, एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, ये पता नहीं देश में क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, नीरज जी बने, नीरज जी बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा रुक करेंगे आपका। मदन मोहन शुक्ला जी का रुक करते, मदन मोहन शुक्ला जी, क्या किसी माफिया की कोई जाति होती क्या? क्या अभी तक जातियां देख करके ही इनकाउंटर हो रहे थे इसके पहले तक क्या? प्रदीप जी, क्या पकड़ कर इनकाउंटर करना ये संविधान सम्मत है? क्या विधि के अनुरूप है? क्या यह कानून इसकी इज्जत देता है? आप अपराधी कोई भी हो, अपराधी के साथ उसको दंड दीजिए, दंड दिलाइए जब मौका आता है। यही विकास दुबे, इसने थाने में हत्या की थी और थाना का पूरा के पूरा पुलिस महकमा, किसी ने गवाही उसके खिलाफ नहीं दिया और छूट गया था। आज वही तमाम लोग हैं जिनकी पुलिस की मिली भगत से और सरकार की मिली भगत से, मंत्रियों के यहाँ रुक करके, मंत्रियों के यहाँ बैठ के फिरौती होती है। आज विधायकों के घर में रैकेट चल रहे हैं लड़कियों के, आपको मालूम है, आपके टीवी चैनल पे आ चुका है। आज अगर सरकार ये सवाल क्यों उठता है, क्यों संदेह पैदा होता है किसी एक जाति एक वर्ग के नाम पर पे इनकाउंटर कराया जा रहा है? मेरा कहना तात्पर्य, अगर शासन करना है तो संविधान सम्मत होना चाहिए, कानून के हिसाब से होना चाहिए, व्यक्ति के हिसाब से नहीं। अगर किसी को टारगेट करके, किसी को किसी जाति या धर्म को, ये संशय और शंका का सवाल कैसे उठ गया? आपका मालूम है कि प्रेस मीडिया पीछे कर रहे चल रही थी जब वहां से पकड़े गए थे आपके विकास दुबे, और मीडिया को 1 किलोमीटर पहले 2 किलोमीटर रोक दिया गया, जबरिया रोका गया उनको, और उसके बाद 10 मिनट बाद इनकाउंटर हो गया। ना मीडिया का आपको विश्वास है, ना आपको कानून पे विश्वास है, ना संविधान पे विश्वास है, ना विधायकों के विश्वास है। अगर आप इस प्रकार से देश और प्रदेश को चलाना चाहते हैं, आज क्या नहीं हो रहा है? आज जो लड़की FIR करती है उसको जिंदा जला दिया जाता है और मालूम होता है भारतीय जनता पार्टी का। जो पत्रकार अगर कहीं पर दिखा देता है कि नमक रोटी खिलाई जाए स्कूल में, तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है। आप अगर कानून देख रहे हैं, अगर अपराधी कोई है, वो चाहे जिस दल का हो, आपके दल का अगर आपका भगवा पहन करके
आप थाना इंचार्ज को मार देता है और उसके बाद छूट किया था तो माला पहनाकर उसका भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वागत करते हैं। मदन मोहन जी, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा आएंगे आपके पास। जी आऊंगा, आऊंगा, दोबारा से पूरा मौका दूंगा आपको पास में। राजपाल कश्यप जी के पास जाएंगे, ठीक है, ठीक है, आएंगे दोबारा से। राजपाल कश्यप जी, क्या कहेंगे आप? सरकार कह रही माफियाओं का जाति कार्ड नहीं चलेगा, आप जिस भी जाति को हो आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और विजय मिश्रा कह रहे हैं कि मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे मत मारिए, 71 मुकदमे हैं उनके ऊपर। विश्वकर्मा जी, 106 मुकदमे भी है किसी के ऊपर। आ रहा हूँ नीरज जी, आपके आ रहा हूँ नीरज जी, आपके पास दोबारा से आऊंगा। जी जी प्रदीप जी, सरकार अगर कह रही है कि अपराधी की जातिकरण नहीं चलेगा तो क्या अपराधी का सत्ताकरण का अपराधीकरण होगा क्या? सत्ता में जो बैठे हैं अपराधी संरक्षित है, जो सत्ता संरक्षित अपराधी है वो अपराध कर सकते हैं क्या? और हमारे एक प्रवक्ता साथी बैठे हैं कि सूची उनके पास है, और सही में अगर सूची प्रकाशित कर दी जाए तो अभी सब तमाशा खुल जाएगा कि किस किस जाति के लोग कितने कितने बड़े माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश में है। आप एक जात को टारगेट करेंगे, दलित बैकवर्डों को टारगेट करेंगे। आप जितनी अभी भूमाफियाओं की इन्होंने सूची बनवाई थी, हम तो कहते हैं जारी कर दो ना भूमाफियाओं की सूची, किस जात के लोग हैं। आपने भूमाफिया के नाम पे क्या किया, गांव में किसी ने छप्पर डाल लिया था, किसी ने घूरा डाल लिया था, किसी ने रसोई बना ली थी, उनका उजाड़ दिया गया। आपने कौन सा तालाब नपा दिया, कौन से जो बड़े बड़े भूमाफिया है उनकी सूची प्रकाशित कर दी। हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी है उनकी सूची प्रकाशित क्यों नहीं कर देते, कितने इनकाउंटर लायक है उनकी प्रकाशित क्यों नहीं कर देते, एक बार में जारी कर दीजिए ना। जितने बड़े बड़े माफिया अपराधी है उनकी सबकी सूची जान के इनकाउंटर लायक है, लेकिन कोई नहीं। आप मार दोगे, वो झांसी में बिचारे उसको मार दिया, यादव को, यादव बिरादरी को मार दिया, और उसके बाद में उसका भाई से डिफेंस में था, वहां से लौट के आए, और इनका कलेक्टर धमका रहा कि बयान बदल दो नहीं तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, वीडियो वायरल हुआ। आप रहबरों को मार दोगे, निषादों को मार दोगे, गुजर को मार दोगे, यादव को मार दोगे, मुसलमान को मार दोगे, और जो विरोध करेगा, अगर ब्राह्मण विरोध करेगा तो ब्राह्मण को मार देंगे। हम पूछना चाहते हैं जो विकास दुबे के जिन जिन लोगों का नाम लिया था विकास दुबे ने, उनके ऊपर क्या बता दो, जो अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, जिनके अधिकारियों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ क्या बर्खास्त किया। ठीक है, ठीक है राजपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा से आपका रुख करेंगे। पंडित नीरज शर्मा का रुख करेंगे। पंडित नीरज शर्मा, कौन सी लिस्ट आपके पास में है और वो कौन सा खास वर्ग है जिसको की छोड़ा जा रहा है, क्या आप के न्यूज पर बताने की वो करेंगे? मेरा निवेदन है, आप मेरे संगठन का नाम राष्ट्रीय आर्मी है। ठीक है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, वो लिस्ट मेरे पास है, आपको मैं बांट सकता हूँ, अभी अपने फोन में दिखा भी सकता हूँ। वो एक जो मतलब ठाकरों की लिस्ट है जिसमें ठाकरों से लोग आते हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, इसी पे मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको लिस्ट अभी दिखा सकता हूँ। मेरे पास लिस्ट है, किसी में 106 केस है, किसी पे 88 है, किसी पे 45 है, किसी पे 21 है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है, सबसे तो दिखाइए उस लिस्ट का मुखड़ा भी दिखाइए। क्यों नहीं किया सरकार ने, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया, उनका क्यों नहीं ब्रेन प्लांटर किया, उनका क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक, कहां लिस्ट बताइए, लिस्ट कहां है वो, अभी दिखाता हूं, एक सेकंड का मुझे समय दीजिए, मेरे पास लिस्ट है। आप ये बताइए अपराधी अपराधी होता है, अगर अपराधी को उसकी सही जगह नहीं पहुंचाया जाएगा तो क्या अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा? कोई ब्राह्मण अपराधी होगा तो उसको छोड़ दिया जाए क्या? सर ब्राह्मण अपराधी की बात नहीं है, आप देखिए ये लिस्ट है मेरे पास, कब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये लिस्ट है मेरे पास जी, देखिए
जी देखिए जी, लिस्ट मेरे पास देख नाम पढ़ के बताइए इसमें से कौन कौन है वो लोग जी। नाम पढ़ के बता रहा हूँ आपको, नाम पढ़ के जी, बता रहा हूँ आपको जी, नाम पढ़ के बता रहा हूँ जी, पढ़ के बता रहा हूँ जी। कुलदीप सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदयवान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदल 37 मुकदमे, अभय सिंह 49 मुकदमे, बिलीज सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, बुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 70 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, सोनू सिंह 82, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। इस टाइम मेरे पास इसमें कितने गिरफ्तार हुए उत्तर प्रदेश में से, इसमें कितने गिरफ्तार हुए, कितने एनकाउंटर हुआ? आपका क्या कहने का मतलब है कि चुन चुन कर ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, ठाकुरों को छोड़ा जा रहा है, क्या यही कहने का मतलब है? ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है। आज मिश्रा जी बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, इनका हो सकता है, सकता है। उसकी माँ का बयान है। नीरज जी जरा ये बता दीजिए, जरा मुझे ये समझा दीजिए कि क्या विजय मिश्रा, विजय मिश्रा सवाल सुन लीजिए, ये वो विजय मिश्रा हैं जो खुलेआम कहते हैं मैंने तमाम लोगों को ट्रक के नीचे कुचलवा के मरवा दिया है। तब जब ये सब ये काम कर रहे थे, लोगों के घर पे कब्जा कर रहे थे, तब आपने उनके खिलाफ माहौल क्यों नहीं बनाया? आप क्या फलने फूलने देंगे किसी माफिया को? मैं आपको, मैं माफिया कोई भी हो, माफिया की कोई जाति, कोई ब्राह्मण नहीं होता, विजय मिश्रा हो, ना। पर सरकार को जाति ना देखकर काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ ब्राह्मण समाज में माफिया है, पुलिस उनको पकड़े मार दे, परंतु और समाज में भी माफिया है, वो भी मारना। एक जाति को टारगेट सरकार को नहीं बनाना चाहिए। सरकार सभी की होती है, राजा सभी का होता है, एक जाति को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। विश्वकर्मा जी ठीक है बन रही है हमारे साथ में, ठीक है, छोटा मोटा चैनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सच्चाई दिखाता है, ठीक है। नीरज जी बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास में दोबारा से एक ब्रेक, ठीक है नीरज जी, वक्त एक ब्रेक का हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बहुत जल्द आपके पास आएंगे। नीरज आरोप लगा रहे हैं कि जो ठाकुर माफिया है उनको छोड़ दिया गया, विजय सिंह पर 106 मुकदमे हैं, उनकी कहीं पूछताछ नहीं है, इसी तरीके से वो तमाम लिस्ट दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ब्राह्मणों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। अब समस्या ये है कि क्या माफिया में भी जातिवाद चलता है कि ये मेरा माफिया, ये मेरी जाति का है तो इसको चलने दिया जाए, वो उसकी जाति का है तो उसको मार दिया जाए। राजपाल कश्यप कह रहे हैं कि जब पिछड़ी जाति का होता है तो उसको मार दिया जाता है, अल्पसंख्यक जाति का होता है उसको मार दिया जाता है, तो क्या जातियों के आधार पर भी माफियागिरी तय होती है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है, आपसे इतना ही बार बार निवेदन है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा, देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष का परचम बुलंद, टीवी 9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी 9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। GGS एजुकेशन ग्रुप लॉन्चेस 20% डिस्काउंट ऑन एकेडमिक फी ऑफ कोर्सेज MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway near Unnao.
GGS Education Group. खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। मैं ग्राम प्रधान अहमदगढ़ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर ब्लॉक पासू राजेंद्र कुमार बघेल समस्त क्षेत्र की जनता से एवं देश की जनता से अपील करता हूं कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से बाहर निकलें और इस 15 अगस्त पर हम सभी लोग हर्षोल्लास से मनाएं। ठेकेदार की ओर से देश व सहारनपुर मंडल के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2020 के पावन अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को, अपने जनपद वासियों को और अपने जिले वासियों को ढेर सारी शुभकामना प्रेषित करता हूं और यह अनुरोध करता हूं अपने जनपद वासियों से और क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कोरोना काल में आप लोग अपने घर में रहें, किसी भी आवश्यक बहुत आवश्यक हो तो मास्क पहनकर सैनिटाइजर का यूज करते हुए तो घर से निकले, अन्यथा घर में रहें, ये महामारी से बचें और लोगों को बचावें, ये हमारा अनुरोध है। और पूरी तरीके से तुलसी का काढ़ा और जो भी चीज़ें बताई जाती है उसका उपयोग करें और अपने घर में रह करके कम से कम बाहर निकलने का प्रयास करें, तभी इससे महामारी से निजात मिलेगी। धन्यवाद। नसीम चौधरी कांग्रेस जिलाध्यक्ष की तरफ से श्रावस्ती जनपद के क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से ना घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। एपी यादव डीएफओ श्रावस्ती की तरफ से श्रावस्ती जनपद के क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से ना घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। सावल प्रसाद मिश्रा प्रधान की तरफ से श्रावस्ती जनपद के समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से ना घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। जिला पंचायत सदस्य बीएसपी नेता राम अभिलाख यादव की तरफ से श्रावस्ती जनपद के समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं समस्त जनपदवासियों, क्षेत्रवासियों को और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने अधिकारीगण हैं, सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अपने क्षेत्र और अपने जनपद की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे हम, जैसे हमारा देश आजाद हुआ था, तैसे हम भी लोग इस इतने बड़े जो है बीमारी से आजाद हो सके। धन्यवाद। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा,
देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण ना करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। मैं ग्राम प्रधान अहमदगढ़, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, ब्लॉक पासू, राजेंद्र कुमार बघेल, समस्त क्षेत्र की जनता से एवं देश की जनता से अपील करता हूं कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से बाहर निकलें और इस 15 अगस्त पर हम सभी लोग हर्षोल्लास से मनाएं। ठेकेदार की ओर से देश व सहारनपुर मंडल के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है, आपसे इतना ही बार बार निवेदन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हम मदन मोहन शुक्ला जी का रुख करेंगे। मदन मोहन जी,
आप कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये मामूली मामूली से लोग मारे जाते हैं, 25-25 हज़ार के इनामी, जब राजपाल कश्यप जी आरोप लगा रहे हैं, जब दलित पिछड़े और अन्य लोग मारे जा, अल्पसंख्यक लोग मारे जाते हैं, तब आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि भाई किसी का इनकाउंटर मत कीजिए, इनकाउंटर करना ठीक नहीं है? ऐसा अब लोग आवाज उठाते हैं, और जो भी संविधान पे विश्वास करता है, कानून पे विश्वास करता है और राजनीतिक व्यक्ति है, वो कभी भी कानून और संविधान के विपरीत की कोई बात नहीं करता है। आज अगर मुख्यमंत्री जी को इतना इनकाउंटर का शौक है तो अपने बहुमत की सरकार है पारित कर दें कि हम पकड़ के मार देंगे। इतनी बहादुर पुलिस है कि जब जाती मुठभेड़ करने किसी की तो पता लगा अपने हथियार छिनवा के चली जाती है, एक किसी को खरोच नहीं आती है। आप गए थे विक्रम का एनकाउंटर करने, चार थाने की फोर्स गई थी, हथियार छिनवा के चली आई किसी का एनकाउंटर था। मदन मोहन जी, आपको नहीं लगता? मदन मोहन जी, सवाल सुनिए, सवाल ये है कि ये अपराधी पकड़े जाते हैं, उसके बाद जेल के अंदर बैठ करके पूरा शासन चलाते हैं, वहीं से पूरा रैकेट चलाते हैं, जमीन भू माफिया बनते हैं, वहीं से पूरा रैकेट चलाते हैं। आपको लगता है कि क्या ऐसे अपराधियों को जेल में रख करके ये करने देना चाहिए? सरकार अक्षम है, इसके माने सरकार को कोई चीज कंट्रोल करने में उसकी स्थिति नहीं है, इसके माने वो कानून का पालन नहीं करा सकती। जेल में भी, जेल में भी अगर अपराधी अपराध कर रहा है, इसके माने सरकार नाम की कोई चीज नहीं। अरे ये कोई पहली बार हो रहा है मदन मोहन जी, कोई पहली बार हो रहा है कि जेल के अंदर से अपना लोग माफिया कारोबार चलाते हैं? बबलू श्रीवास्तव तमाम लोग कितने अंदर से कारोबार चला रहे हैं? वो गलत है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जेल के अंदर अपराधी अपराध कर रहा है, सरकार में आप भी रहे हैं, सरकार जब पिछले 10 साल तक आपकी केंद्र में सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में 30 साल से सरकार नहीं है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो सरकार है आपकी, वहां पर क्यों नहीं इनकाउंटर पर रोक लगा दिया? छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर हो रहा क्या? महाराष्ट्र में क्या इनकाउंटर हो रहा है क्या? राजस्थान में क्या पकड़ के इनकाउंटर हो रहा है क्या? वो एक उदाहरण बताइए। नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर ब्राह्मण माफिया हो तो उसको छोड़ देना चाहिए कि पंडित जी, आप पंडित जी हो, आपको नहीं मारा जाएगा, ब्रह्म हत्या लगेगी? मंत्री के या शासन के ऊपर जाति का आरोप क्यों लगता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तभी ये जातिवादी काम शुरू होता है, कभी तभी ये धर्म के आधार पर लिंचिंग क्यों शुरू होती है? क्यों आरोप लग रहा था, मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लग रहा था आप पर। आएंगे आपके पास, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जय मंगल कनौजिया साहब जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत के न्यूज चैनल पे। और आपसे ये समझना चाहेंगे, आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि चुन चुन करके ब्राह्मणों को की हत्या की जा रही है, ब्राह्मण माफियाओं को ही मारा जा रहा है, और ठाकुर माफिया जितने हैं वो सब बख्शे जा रहे हैं, नीरज मिश्रा पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। हेलो जी, जयमंगल जी। जी जयमंगल जी, जी मैं बोलूं क्या? जी 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 जी, मैं संजीव शुक्ला बोल रहा हूँ। जय मंगल जी, मैं संजीव शुक्ला बोल रहा हूँ। जय मंगल, विधायक से बात कर रहा हूँ। जय मंगल, विधायक से बात हो रही है क्या? चलिए आप भी क्वारंटीन हो जाइए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप रहने दीजिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया बने जी। राजपाल कश्यप जी, सवाल ये उठता है कि आज जब विजय मिश्रा पकड़े गए और वो कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन जब वो हत्याएं कर रहे थे तब उनको दया नहीं आई थी कि कोई किसी जाति का होगा वो किसी को भी मार देंगे? मिश्रा जी, बीजेपी के जो सहयोगी दल है और बीजेपी के उसमें पैनल में सूची से जारी हुआ है टिकट,
तब वो अपराधी नहीं थे। आज विजय मिश्रा जी उनके जीवी सरकार के खिलाफ बोलने लगे तो वो अपराधी हो गए। दूसरी जैसे नीरज शर्मा जी ने सूची एक पढ़ी और लंबी चौड़ी सूची है, वो क्या अपराधी नहीं है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं उन सब चीजों से अलग कि ये बताइए, मेरे पास 2017 की शुरुआत में गवर्नमेंट में इनकाउंटर किए थे उसकी सूची है, इसमें सब दलित बर्ड मुस्लिम यादव निषाद और यही सब है। हम पूछना चाहते हैं चिन्मयानंद जी का वीडियो शायद ही देश में कोई बचा हो जिसने, जिसके पास एंड्रॉइड फोन हो उसने न देखा हो चिन्मयानंद जी का वीडियो, और क्योंकि वो महाराज जी के करीबी आदमी है इसलिए तो आप ये कहना चाह रहे हैं जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मतलब देश प्रदेश की सरकार क्या इनकाउंटर ना करे, क्या माफियाओं को उस जगह ना पहुंचाए जहां उनकी जगह है, क्या माफिया राज चलने दे, पैरेलल सरकार चले। मैं कह रहा हूँ जो भी माफिया है, जो भी अपराधी है, जो दुर्दांत अपराधी है, उनके साथ में जो कड़ी कड़ी सजा हो करे, लेकिन बताओ अपराध कहाँ रुक रहा है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये कोई खेत में ककड़ी चोरी कर लिया, गरीब दलित है, उसको मार दिया जा रहा है इनकाउंटर के नाम पे। अरे सरकार 71 मुकदमे हैं उनके ऊपर, और सुन लीजिए, उनकी माँ जी कृष्ण मोहन तिवारी की माँ रो रो करके बता रही हैं कि उनका मकान कब्जा कर लिया, उनके सारे जेवर हड़प लिए, 8-8 बीघा करके कई बार खेत लिखवा लिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उन्हीं के रिश्तेदार की माँ कह रही है। तो वो कानून अपना काम करेगा, कानून जो वो कानून में सजा बनती है वो दें, हम उनकी बात नहीं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार में जो संरक्षित होगा, सरकार के जो पक्ष को होगा, चिन्मयानंद जी छूट के चले जाएंगे जेल से, और मोहम्मद आजम का जिस छात्रा का भविष्य खराब करने वाले चिन्मयानंद जी वो जेल से छूट आएंगे, और छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल करने वाले आजम खान जी है, उनका खानदान पूरा जेल में रहेगा। और कभी आजम खान साहब ने कितने लोगों को जेल भिजवाया ये पता है आपको? रामपुर में ऐसे ही उनका राज नहीं चला, रामपुर में ऐसे ही उनका साम्राज्य नहीं चलता था। तमाम लोगों को उन्होंने फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाया है। डॉक्टर कपिल उनका क्या यही अपराध था कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई, और अगर सच्चाई बोल दी तो वो जेल में रहेंगे ये। और अगर कोई पत्रकार भी, अब तो छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, क्यों नहीं लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टीवी पे फोटो लगा के इस्तीफा मांगते, जो माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में छोटी सी घटना होती थी, क्योंकि वो बैकवर्ड और दलित परिवार से आते हैं, वो उनको उनका फोटो चला सकते हैं लोग, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हैसियत नहीं है लोग फोटो चला के करे इस्तीफा मांगे। या तो फिर उनके चैनल पे कार्रवाई हो जाएगी, या तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। आप बताइए अपराध मुख्यमंत्री के जमीन और गोरखपुर अपहरण हो जा रहा, हत्या हो जा रही है, कोई चला पा रहा? फिरौती इनकी सरकार दिलवा रही, कानपुर में सरकार ने फिरौती दिलवाई है, और आज तक उसकी बच्ची के क्योंकि वो यादव परिवार से आते हैं, यादव दलित जी बताइए, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजपाल जी, हाँ नीरज जी बताइए। मैं विधायक साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, माननीय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 108 फुट लंबी परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं और 1,00,000 रुपया ब्राह्मण परिवार को दे रहे हैं। अरे भाई नीरज जी, हमारा विषय आज वो नहीं है, हमारा विषय जो है मैं उसका सवाल पूछ रहा हूँ आपसे ना, वो सवाल पूछने की इजाजत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा सवाल, बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड का समय नहीं दूंगा, सवाल का जवाब दीजिए आप। सवाल मेरा ये है कि माफियाओं को उनके सही स्थान पर पहुंचाना क्या आप गलत मानते हैं? मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो रही है, अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है, जितने बड़े माफिया सब पर कार्रवाई तो हो रही है ना, आप इसको कहां से गलत बताएंगे? आप देख लीजिए तब से अब तक सरकार को कितने साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर अब कार्रवाई होती है तो हम स्वागत करते हैं, माफिया किसी भी जाति का हो हमारा। अरे भाई मुख्तार अंसारी का सहयोगी, एक लाख का इनामी मारा गया इनकाउंटर में, उसको भी आपने ब्राह्मण में गिन दिया कि वो पांडे है, शार्प शूटर था भाई वो। बोला था पुलिस कह रही है हमने मुठभेड़ में पकड़ा, मुठभेड़ की है,
उसकी माँ कह रही है मेरे घर से पकड़ के ले गए। अरे अरे क्लियर क्लियर मार दो ना, ये ऐसे तो तमाम लोगों को पुलिस घर से पकड़ के ले जाती है। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में भी ऐसा ही होता था, क्या रोका आपने उसको? नहीं, हमारी सरकार तो सभी है, देखिए हमारी सरकार तो सभी है। और आप ये जो आप इशारा कर रहे हैं वो बात आप सही भी बोल रहे हैं, मानते हैं, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ मैं बोलता हूँ, आप मकबूली में बोल रहा हूँ, मैं समाजवादी में प्रवक्ता रहा हूँ, वहां भी मैंने डिबेट की है, आज बीजेपी में प्रवक्ता हूँ, वहां भी मैंने की है, परंतु हम पार्टी के वफादार तो हो सकते हैं परंतु व्यक्ति विशेष के वफादार नहीं हो सकते। अगर एक जाति पे आज की बात नहीं है, अगर कोई भी जाति। नीरज शर्मा जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है, पंडित नीरज शर्मा जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि जब सुन लीजिए, सवाल सुनिए, जब राजपाल कश्यप कह रहे हैं जब अल्पसंख्यक कोई मारा जाता है मुठभेड़ में, बैकवर्ड मारा जाता है, उस समय आप लोग आगे नहीं आते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, गलत मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं? जब कोई ब्राह्मण मारा जाता है तो आप पूरा हंगामा मचा देते हैं, क्या ये जातिवाद नहीं है? मुसलमानों को मार दिया, अब एवरेज देखिए कितने दलितों को मार दिया, कितने क्षत्रियों को मार दिया, ब्राह्मणों को मार दिया, ये एवरेज आप लगाइए ना, सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है अभी तक सिर्फ ब्राह्मण समाज की, किसी की नहीं हुई है, ना मुसलमानों की हुई है इतनी, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज की। राजपाल कश्यप जी, 7,500 इनकाउंटर हुए हैं, याद रखिएगा पंडित नीरज शर्मा जी, जिसमें 137 की मौत हुई है, उसमें से ड्राइवर लिस्ट निकाल के देख लीजिए कितने लोग मरे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। राजपाल कश्यप जी, आप इससे पहले 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी, लगातार इनकाउंटर होते रहे, तो आपको नहीं लगता कि माफियाओं को सही जगह पहुंचाना, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाने का जिम्मा राज्य सरकार का होता है? कानून व्यवस्था ठीक से चले तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या व्यवस्था की है, इन्होंने एंटी रोमियो बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर 10-90 से लेकर व्यवस्थाएं दी थी, और पुलिसिंग अच्छी की थी, गाड़ियां दी थी, असलहे दिए थे, सारी चीजें दी थी, ये क्या कर रहे हैं, ये भाषण, चाहे जिसको पा जाओ मार दो, ये अच्छा फिर तो कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, जुडिशरी बंद कर दीजिए, जजों की छुट्टी कर दीजिए, हम पूछना चाहते हैं इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या हुई है, कितने लोगों का उसका इनकाउंटर हुआ इलाहाबाद में, अभी 5 लोगों, एक राजपाल कश्यप जी, राजपाल कश्यप जी एक सवाल जरा बता दीजिए, राजपाल कश्यप जी एक सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है, ये जो सारे माफिया है ना, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ये मिश्रा, ब्रजेश सिंह ये और विजय सिंह, ये जो सब तमाम माफिया है ना, बबलू श्रीवास्तव, ये एक दिन में नहीं बने हैं, सैकड़ों हत्याएं करके बने हैं, जब ये हत्याएं करते थे तब क्या इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोगों ने? आप तो सरकार में रहे 5 साल तक जी। किसी भी माफिया को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कोई टिकट नहीं दिया। हाँ, दूसरी बात, सत्ता में अभी बीजेपी एडीआर की रिपोर्ट आई थी, सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट बीजेपी ने दिया, और मंत्रिमंडल से लेकर कैबिनेट से लेकर सबसे ज्यादा अपराधी, अरे कोई पार्टी से अछूती नहीं है सर, राजपाल कश्यप जी सारी पार्टियों में है माफिया, क्योंकि ये जिताऊ है, ये खुद जीतते हैं और अगल बगल की सीट जितवाते हैं, इसीलिए तो पसंद आते हैं। मुख्तार अंसारी जब बसपा में जाते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं, बेचारे हो जाते हैं, विकास दुबे बेचारे हो जाते हैं जब वो बसपा में रहते हैं तो। लेकिन अपराधियों को टिकट नहीं दिया, हमारी नेता ने सरकार की परवाह नहीं की, अपराधियों को टिकट नहीं दिया, ये विजय मिश्रा भाई किस टिकट किस सीट से जीत के आए हैं, किसके किससे गठबंधन था, आज विजय मिश्रा अगेंस्ट बोलने लगे तो वो माफिया हो गए मंत्री लोग बैठे हैं अपना अपना जो झगड़ा जो व्यक्तिगत है वो झगड़ा रहे हैं, और दलित बैकवर्ड पीटा जा रहा, दलित विधायक पीटा गया, थाने में बीजेपी का पीटा गया, कितने दलित विधायक हरदोई के आवाज उठा चुके कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा, कितने दलित सांसद उठा चुके। अरे राजमंगल जी, हम भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे आज, हम चर्चा कर रहे हैं कि अब माफिया की जाति नहीं चलेगी, बने रही हमारे साथ में मदन मोहन शुक्ला जी, जय ना शुक्ला जी, आपको बोलने की इजाजत नहीं है,
आप शांत रहिए। जय मंगल। मदन मोहन जी का रुख करेंगे। मदन मोहन शुक्ला जी, सवाल आपसे ये है कि आखिर ये राज कब तक चलेगा, माफियाओं का राज कब तक चलेगा? आपकी बात ठीक है, उनका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, पूरा प्रोसेस बना करके उनको करना चाहिए, लेकिन ये इतने बड़े बड़े माफिया बनते कहते हैं? माफिया बनते हैं इन्हीं नेताओं के संरक्षण में। आपको ध्यान होगा, अरे नेता तो आप ही हैं, आपको अरे आपकी पार्टी भी की सरकार में रहती है। मुख्यमंत्री ने आने के बाद अपने दल के तमाम अपराधियों का मुकदमे माफ कर दिए जो उनके दल के थे जी। ये मुख्यमंत्री, यही मुख्यमंत्री, यही मुख्यमंत्री है। आप अपने लोगों को माफ कर लेते हैं, रो रहे थे कि मेरा बसपा की सरकार आती तो अपने में माफ कर लेते हैं, हर पार्टी अपनी सरकार में माफ करती है। मुख्यमंत्री जी को मेरा केवल ये कहना है जी, संविधान से चलेगी या इनके नादिरशाही से चलेगी या गुंडागर्दी से चलेगी? अगर आपको पकड़ के मारना है तो आप विधानसभा में एक कानून बना दीजिए कि हम अपराधियों को पकड़ के मार देंगे। अगर आप ये कानून नहीं बनाते, कानून सम्मत नहीं है, क्या सर? अरे पकड़ के कहां मारा सर, आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। अपराधी जब भागता है तभी तो उसको मारा जाता है। विकास दुबे मार रहा था, विकास दुबे भाग रहा था, उसको भागते हुए मारा गया, उसने गोलियां चलाई थी पुलिस पर, एसटीएफ पर। मीडिया गाड़ियां पीछे कलर की बात है, विश्वकर्मा जी बेकार की बात है, गोलियां चलाई सरेंडर किया था कह करके। हम अपराधी अपराधी को रोकने के लिए अगर आप बहादुरी से भागने में या पकड़ने में इनकाउंटर करते, और थाने की पुलिस गई थी वहां पर और अपने हथियार तक छिनवा के भाग गई थी, एक भी आदमी को खरोंच नहीं, गांव के आदमी क्या है, कोई गोली चलाए होते? क्या क्या बहादुरी दिखाते हैं लोग? आज पूरे 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 प्रदेश में जंगल राज काम है। आज 8 साल की लड़की का बलात्कार हो जाता है, लड़की जो रिपोर्ट लिखाई जाती थी उसके खिलाफ घर में घुस के मारा जाता है और आग लगा के थाने पहुंचती तब रिपोर्ट लिखी जाती है। इस देश में जहां पत्रकार मारा जा रहा हो जो सूचित करता है, जहां पुलिस मारी जा रही हो, जहां दलित मारा जा रहा हो, जहां पिछड़े वर्ग स्टेट की भी बात कर लीजिए, वहां भी यही हालात है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं। चले बात करते पंडित नीरज मिश्रा जी थे, पंडित नीरज शर्मा जी, आपने जो लिस्ट पढ़ के बताई मुझको, आ रहा हूँ मदन मोहन जी आपके पास आ रहा हूँ दोबारा से। पंडित नीरज शर्मा जी, आपने जो लिस्ट पढ़ के सुनाई तमाम ठाकुरों की कि इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और संजय सिंह भी इसी पर आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR हो गई, क्या आपको नहीं लगता कि अभी तमाम ठाकुर जो माफिया थे उन पर कार्रवाई हुई है? क्या आपको उनकी लिस्ट याद नहीं है? बता दें जी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जो हमारे पास लिस्ट है उनमें से एक भी आदमी पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक आदमी पर कार्रवाई हुई, वो भी बड़ी मुश्किल से, सेंगर साहब पर, जो सेंगर है उन्नाव के विधायक जिन्होंने बलात्कार किया उन पर कार्रवाई हुई, वो भी एक मजबूरी में मीडिया की वजह से, वो भी बचा हुआ था, बाकी एक भी आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, आप एक जाति को टारगेट ना करें, अगर ब्राह्मण समाज में माफिया है उसको भी जेल भेजे, अगर ठाकुर समाज में भी है उसको भी जेल भेजे, मुस्लिम समाज में उसमें कुछ भी जेल भेजे, दलित समाज में उसको भी जेल भेजे, जिस समाज में हो माफिया। आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, माफिया कोई जाति नहीं होती, परंतु आप चुन चुन के एक जाति को टारगेट ना बनाए। ब्राह्मण बहुत सीधा होता है, बहुत सज्जन होता है, परंतु वो टेढ़ा भी होता है। आप आज हमारा एक तो समाज वैसी मर रहा है, आरक्षण की मार से मर रहा है, SC ST से मारा जा रहा है, ऐसे ठीक है बस बने रहिए हमारे साथ में, समय इतना ही था। राजपाल कश्यप जी, आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे, क्या माफियाओं पर कार्रवाई करते समय जाति का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? कोई माफिया गिरी, अब सत्ताकरण चल रहा है, सत्ताकरण का माफिया गिरी चल रही है। ये आपने बड़ी ईमानदारी से बात की, में जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, जंगल राज है, सभी पार्टियों में माफिया है ना, तो पार्टी माफियाओं का सत्ताकरण चल रहा है, जिस सत्ता में आते हैं माफिया वहां पहुंच जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। बिजनौर में कोर्ट में हत्या हो जाती है, अब कार्रवाई अब चलती है, कोर्ट में जज को छुपना पड़ता है, जेल में
जी चलिए चलिए ठीक है, राजपाल जी बने रहिए हमारे साथ में। मदन मोहन शुक्ला जी, आपका फाइनल कमेंट क्या होना चाहिए, इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि ईमानदारी से, चाहे जिस दल से हो चाहे जिस जाति का हो, अगर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रशासन को आखिर तक लड़ाई लड़नी चाहिए, कोर्ट में उसको सजा दिलाने तक का काम करना चाहिए, और जब तक ये काम नहीं होगा, अगर आपको चुन चुन कर कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपराधी चुनाव लड़ने से उनको रोकना चाहिए, चुनाव लड़ने के समय उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। अरे सरकार, वो तो आप कब से कानून ला रहे हैं, केंद्र में आपकी 10 साल तक सरकार थी अभी, लेकिन उसमें कानून नहीं बना। तमाम राजनीतिक पार्टियां उसमें कहती है कि माफियाओं को टिकट नहीं देंगे, लेकिन देते हैं सब लोग। जी चुनाव आयोग में बहुत शुक्रिया, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हम सारे मेहमानों का बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को इसलिए निशाने पर ले रहा है कि वो चुन चुन करके खास वर्ग के लोगों को, के माफियाओं को निशाना बनाया जा रहा है और एक खास वर्ग के माफियाओं को छोड़ा जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि अब माफियागिरी में जाति नहीं देखी जाएगी, जो भी होगा उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि कोई भी माफिया हो, किसी भी जाति का माफिया हो, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, जिससे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सके और लोग, आवाम जो है वो अमन चैन की जिंदगी गुजर बसर कर सके। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल का जवाब सरकार को देना ही होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।